अब हम बात करेंगे हॉस्टल की एक रेजिडेंट से, जो आपको बताएंगे कि हॉस्टल का ओवरऑल रिव्यू इनका कैसा है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए हॉस्टल व्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इसके अंदर की फैसिलिटीज़ कैसी है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं हिंदू कॉलेज की स्टूडेंट हूं और मैंने श्रीमती इंदुपुंज गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लिया है। मैं सेकंड फ्लोर की रेजिडेंट हूं, तो वहां पर एक बालकनी है जो कि आप देख सकते हैं, वो हमारी बालकनी है सेकेंड फ्लोर वाली, जहाँ पर मेरा रूम है। मैं आपको एक रूम टूर भी दिखाऊँगी। क्योंकि हमारा कैंपस बहुत बड़ा है कॉलेज का, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये हॉस्टल किस साइड है। तो आप ये देख रहे हैं, ये रिलैक्सो सेंटर है जो कि अभी रिसर्च सेंटर यहाँ बनाया गया है हमारे कैंपस में, और उसके जस्ट बगल में हमारा ये गर्ल्स हॉस्टल है जो आप देख सकते हैं। ये है बोगनविलिया प्लांट जो हमारे हॉस्टल को और भी खूबसूरत बनाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब आते हैं अंदर की तरफ। ये है मेन एंट्रेंस गेट हमारे हॉस्टल का और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वेजिटेशन इधर भी है। और आइए अंदर, ये दिखाइए। और इस तरफ हम आएंगे, तो इधर है ग्राउंड फ्लोर का एक छोटा सा एरिया जहाँ पर आपको एक सुंदर से नंदी जी भी दिखेंगे। यहाँ पर आप शाम के टाइम या कभी भी वॉक करने आ सकते हैं। यहाँ पर भी एक गेट है जो कि मोस्टली बंद रहता है। अब इस तरफ आते हैं, ये है हॉस्टल का रिसेप्शन। और हेलो आंटी, यहाँ पर हमारे यहाँ रजिस्टर रखा जाता है जहाँ पर हमें एंट्री करनी होती है जब भी हम बाहर जाते हैं तो, और रात में हमें अपना यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करना होता है कि हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं। आप एक बार ये पूरा दिखा दीजिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये है कॉमन रूम जो कि सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए है। हॉस्टल के अंदर सिर्फ हॉस्टलर्स ही अलाउड है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। जहाँ पर ये टीवी भी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सिटिंग एरिया है। कभी अगर हॉस्टल में कोई मीटिंग हुई तो यहाँ पर ही हम ऑर्गेनाइज करा देते हैं हमारी मीटिंग। अब इस तरफ देखेंगे तो कैरम बोर्ड भी है, इस तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट भी है जिसके लिए बैडमिंटन भी रखे हुए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस, लूडो, स्पोर्ट्स के सारे रखे हुए हैं। अब हम इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर भी अवेलेबल है। प्रिंटर अभी कुछ टाइम से थोड़ा खराब चल रहा था इसलिए यहाँ नहीं है, पर हमेशा यहाँ पर अवेलेबल होता है। इस तरफ ये मैगजीन और न्यूज़पेपर कॉर्नर है, अगर आपको मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो आप यहाँ से मैगजीन न्यूज़पेपर ले सकते हैं। इस तरफ लिखा हुआ है हॉस्टल फील्स लाइक होम टू सम पॉइंट। और इस तरफ ये सिंक एरिया और वाटर कूलर। हॉस्टल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो कि है मेस एरिया, डाइनिंग हॉल, और आप अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हाइजीन मेंटेन करी गई है। यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लंच के बाद साफ सफाई होगी, डिनर के बाद होगी, स्नैक्स के बाद होगी, हर टाइम। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की जो फूड फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली जो पीजी से बच्चे यहाँ पर आए हैं उनके यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं हॉस्टल के ऑफिस की तरफ। मेन रूम है स्टाफ मेंबर्स के लिए, और इस तरफ ऑफिस है। अभी यहाँ लाइट्स ऑन नहीं है इसलिए डार्क दिख रहा होगा। और आगे आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे मेडिकल रूम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बैडमिंटन भी अवेलेबल है, तो बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी होना ज़रूरी है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये ऐसी जगह है हॉस्टल में जहाँ से हॉस्टल के अंदर आप पूरे हॉस्टल का व्यू ले सकते हैं। एक बार चार्ज
हमारे हॉस्टल में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं मैं आराम से अभी सीढ़ियों पर बैठ गई हूँ, आप सो भी सकते हैं। नहीं, ये ज़्यादा हो गया, वैसे चलते हैं ऊपर की। अब हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर और यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। आप भी चलिए साथ। अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ से हम चलेंगे अंदर। ये बालकनी, तो हर फ्लोर पर बालकनी है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर एक ही बालकनी है जो बड़ी सी है। ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का पैंट्री। यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन है, वाटर कूलर है, सिंक है, इंडक्शन है और माइक्रोवेव भी है और ये फ्रिज। लिफ्ट से चलेंगे इस बार सेकंड फ्लोर पर। अब हम लोग आ गए सेकंड फ्लोर पर। आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है लिफ्ट के आगे हर फ्लोर पर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप कौन से फ्लोर पर हैं। और इस तरफ है ये बालकनी जहाँ पर मैं कभी कभी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कभी कभी कर लिया करती हूँ। और अगर कभी मन हुआ पढ़ाई करने का तो आप इस बालकनी में खुले एरिया में आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इधर। और आंटी कितनी दफ़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं आप लोग? बताइए, दिन भर में हमारी चार दफ़ा हो जाती है। चार दफ़ा? ओहो, तभी इतना हॉस्टल सुंदर लगता है। ये मीटर रीडिंग्स यहाँ पर सारे रूम्स की इंडिविजुअली दी गई है और ये है मेरी मीटर रीडिंग 2-1। और इस तरह से यहाँ इस तरह से सारे रूम्स हैं और ये है मेरा रूम। लाइटिंग अच्छी है। ये है मेरा रूम 2-1 जिसके अंदर मैं अभी आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसके लिए प्रॉपर अलग वीडियो लेके आ सकती हूँ रूम टूर से रिलेटेड, जिससे मुझे अलग से व्यूज मिलेंगे। स्मार्ट पीपल। हमारे रूम से निकलते ही इस तरफ है एक कॉमन अटैच्ड वॉशरूम और यहाँ पर गर्म पानी भी आता है ठंड के समय में। और क्या ये सब दिखा दूँ? शावर वगैरह। चलिए गाइस, बहुत मस्ती हो गई, अब बर्तन धोते हैं साथ में। आपको क्या लगता है, हॉस्टल में हमें काम नहीं करना पड़ता? अरे अपकमिंग हॉस्टलर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मेस के बर्तन होते हैं ना वो हमें नहीं धोने पड़ते। अब ये बर्तन मेरा, मैगी खाई मैंने, तो धोऊंगी मैं ही ना। हमारे साथ साथ ये कबूतर भी यहाँ रहते हैं जो कभी कभी हमें डरा देते हैं और कभी खुद डर जाते हैं। Shh.
और ये रही मैं फेक कैंडिडेट के साथ आपके सामने। क्योंकि शाम के बज गए हैं 5 और मुझे लगी है भूख, तो अब ये स्नैक्स का टाइम है। मैं खाऊंगी आज फ्राइज़, क्योंकि आज संडे है। यहाँ पर मंडे को बिस्किट, ट्यूसडे को ब्रेड पकौड़ा, वेंसडे को समोसे, थर्सडे को पास्ता, फ्राइडे को ब्रेड रोल, सैटरडे को फिर से समोसा और संडे को फ्राइज़ मिलते हैं। रूम के बाहर कॉरिडोर है जहाँ हम पढ़ भी सकते हैं और मैं यहाँ कभी कभी पढ़ लिया करती हूँ। हाँ, पर वैसे अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो एक्टिंग है वीडियो बनाने के लिए। अब हम चलते हैं हॉस्टल के वॉशरूम की तरफ और ये रहा हमारा वॉशरूम। और ये है हमारे हॉस्टल का डाइनिंग हॉल। अब हम बात करेंगे हॉस्टल की एक रेजिडेंट से, जो आपको बताएंगे कि हॉस्टल का ओवरऑल रिव्यू इनका कैसा है। हाय कनिष्का। हेलो शुभ्रा। हेलो एवरीवन। आप बताइए कि आपको हॉस्टल का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हॉस्टल का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मुझे हॉस्टल में बहुत ही अच्छा लगता है। हॉस्टल फील्स लाइक होम बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक शुभ्रा एंड एवरीवन। जो हमारी वार्डन मैम है अनुराधा मैम, स्टाफ जो है हॉस्टल का, everyone is so nice. And the second thing is like hostel ki facilities. Facilities are so good in hostel. The first thing we have everything like jo day to day life mein chahiye hota hai, require hota hai. Like ki hamare paas mein pantry hai har floor pe, jiske andar laundry facilities hai, induction hai, microwave hai and refrigerator hai. So we have like mostly everything and the most important thing we have AC. AC, right? भाई दिल्ली की गर्मियाँ high level वाली हैं, तो हमारे पास AC है। Thank you so much कनिष्का। Thank you so much शुभ्रा। तो अब ये हुआ व्लॉग खत्म। हम मिलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। Bye guys.